यमुनानगर के जाने माने पौर्श इलाके मॉडल टाउन से गुंडागर्दी की वीडियो सामने आई है। एसपी आवास से कुछ ही दूरी और यमुनानगर के विधायक के आवास से अगली गली में कुछ लोगों ने एक दुकान पर कब्जा करने की नीयत से दुकानदारों से मारपीट कर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया और ताले लगाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर मदन चौहान और थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गुंडागर्दी का खेल समाप्त हो चुका था। फिलहाल पुलिस इस मामले में मौके पर तो कुछ नहीं बोली। वहीं दुकानदारों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत लिखित में देकर पूरी घटना की जानकारी दी है। कौन लोग थे वो? सुपिंदर राणा कोई लैस है नाम, मुझे पूरा पता नहीं। धीरज महाजन तो पक्का है। हम तो सर सुबह दुकान खोल ली अपने आप, आराम से बैठे हुए थे सर, काक अटेंड कर रहे थे। वो अपने आया धीरज महाजन, शराबी को लेके आया, कह रहा बाहर निकलो, मेरी दुकान नहीं आई, हमारे कब्जे आया, देखो कौन हाथ में रहता है, सारा सामान बाहर फेंक दिया, जैसे हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। और हमने ताला चल लगाना अपना चाहा तो उसने अपना चाबी खींच के मारी, ले गया, खड़ा कर ताला तोड़ा तो टोटे टोटे कर देंगे तुम्हारे। वो चार पांच लोग थे जी। आपकी अपनी है? अपनी है, रजिस्ट्री मैंने दे दी है और SHO साहब को दे दिया है। पुलिस वाले के आगे भी गालियां दी जा रहे थे। वहीं दुकान में हुई तोड़फोड़ के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कुछ भी बोलने से बचती रही, लेकिन कानून व्यवस्था की जो धजिया उड़ी उसके साक्षी जनता के चुने हुए विधायक भी बने, मेयर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन इस तरह की वारदात ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।